मुझे जो है एक छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल जहाँ 100-150 रुपये उस समय फी हुआ करती थी, वहाँ पर मेरी जो है अप टू फिफ्थ तक मेरा क्लास हुआ था। उन्होंने काम करते हुए IPS पहले निकाला, फिर IAS निकाला, तो उन्होंने बताया कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम में क्या खराबी है। ऐसा जो है स्पेक्ट्रम की बुक जो बहुत मोटी आती है, मैंने उसको भी जो चैप्टर वाइज में 10 दिन का प्लान बना करके उसको मैं बांट लिया था कि 30-40 पन्ने मुझे डेली के डेली पढ़ने। इसके अलावा मैंने कमेटी मेंशन की थी, अलग कमेटी थी, रंगराजन कमेटी थी, लकड़ा वाला कमेटी थी। इसके अलावा जो है मैंने जो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड बैंक की कोई डाटा थी, पॉवर्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री बने कैसे, ये आपको सब्जेक्टिव से चलेगा पता, और बने हैं कौन ये आपको ऑब्जेक्टिव से चलेगा पता। तो अगर आप ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर मेरे अनुसार से छूटने आपके नहीं चाहिए। और मैं विवेकानंद जी का जो है एक बहुत अच्छा कोट है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन। वो माँ बाप के चाहिए कि मेरा बेटा जितना तकलीफ हम कर सकते, मेरा बेटा आगे की तकलीफ नहीं झेल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ राजकुमार सर हैं जो 65th BPSC का रिजल्ट है सर, उसमें SDM पोस्ट पे चयनित हुए हैं। सर का जो रैंक है वो 30 है और सर का जो ऑप्शनल है PSIR और मीडियम इंग्लिश रहा है। सर का इससे पहले भी सिलेक्शन हुआ है 64th में रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पर सर चयनित हुए हैं और सर अभी वर्किंग है, अभी अलीपुरद्वार में वेस्ट बंगाल में सर एज ए इंजीनियर BSNL में जॉब भी कर रहे हैं। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे, जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करते थे, और तो इस पर हम बातचीत करेंगे। और सर का जो नोट्स कैसा बनाते हैं सर नोट्स, उस पर हम बात करेंगे, दिखाएंगे उसको। और बुकली सर ने क्या क्या फॉलो किया था, क्या इनका टाइम टेबल हुआ करता है प्रिपरेशन के दौरान, और कैसे खुद को ये मोटिवेट रखते थे। तो सर से इस वीडियो में कवर करने वाले सारे आपको जो डाउट है क्लियर होंगे। तभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले बहुत थैंक यू वेरी मच। सर अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम राजकुमार है और मैं बेसिकली नालंदा से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो पूरी तरह से पटना से हुई है। हालांकि मैंने जो बीटेक है अपनी वो नालंदा से की, हम कंप्लीट की है। 2008 से 12 तक मेरा सेशन था, 12 के बाद मेरी जो है वो 13 में जॉब लग गई थी और 14 में मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था BSNL में, और अभी एज ए जूनियर इंजीनियर ही मैं वहाँ पर वर्क कर रहा हूँ 7 सालों से। सर जैसे कि आपका एकेडमिक सर जो रहा है, एकेडमिक सर कैसा था, आप एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ने में कैसे थे, और सर स्कूल बेसिकली अपने कहाँ से किया, कन्वेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, सर कैसा स्कूल? तो बेसिकली यहाँ पर मैं जो हूँ अपने थोड़ा सा फादर के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, या कह ले तो मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की चर्चा करता हूँ, उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा आपको। तो मेरे पिताजी बेसिकली जो है वो प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। आप समझ सकते हैं कि जो उस समय, मतलब आज से तकरीबन जो है 20-25 साल पहले, उनकी इनकम क्या हुई होगी। तो उसी जो है उनकी एक जिद थी कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। तो मुझे जो है एक छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल जहाँ 100-150 रुपये उस समय फ़ी हुआ करती थी, वहाँ पर मेरी जो है अप टू फिफ्थ तक मेरा क्लास हुआ था। 7th में मैंने जो है गवर्नमेंट कॉलेज राजा राम मोहन रॉय सेमिनरी खजांची रोड पटना में मैंने एडमिशन लिया। अप टू 10th तक जो है, 10th में मेरे जो है वहाँ से मैंने 76% से पास किया था। 12th मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया था, वहाँ 64% मेरे परसेंटेज आए थे। देन बीटेक किया मैंने, बीटेक में मुझे जो है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया था और वहाँ से मुझे जो है 84.31% मिले थे। तो अब ये आप डिसाइड कर लीजिए मैं कैसा स्टूडेंट था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत ही सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि एवरेज स्टूडेंट थे या बहुत पुअर स्टूडेंट रहे अपने स्कूल में, अभी वो मेरे साथ में क्लियर कर चुके हैं। सर जो है कि आप बीटेक कर रहे थे, सर बीटेक करने के बाद सर आपने सर एज इंजीनियर सब जॉब भी कर रहे थे, तो सर आपको मोटिवेशन सर कहाँ से मिला सिविल सर्विसेज में सर आने का? ये भी मैं क्रेडिट जो हूँ अपने पिताजी को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनके मन में ये था कि मेरा बेटा जो है एक गैजेटेड ऑफिसर बने, क्लास 1 और गैजेटेड ऑफिसर बने। ये मेरी शुरू से ही, मतलब उनकी इच्छा थी, मेरी नहीं। तो मैंने जो है एज ए जूनियर इंजीनियर मैंने वर्क किया, तो उन्होंने कहा कि अभी ये अच्छा है शुरुआत के लिए, लेकिन आगे भी बढ़ते रहो। तो मैंने ट्राई किया, बहुत सारे पोस्ट पे मैंने ट्राई किया, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि आप PSU में किसी भी लेवल पे आप काम कर ले, गैजेटेड ऑफिसर नहीं बन सकते हैं आप। गैजेटेड ऑफिसर जो है वो आप या तो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्योर बिहार गवर्नमेंट काम करके। तो इसलिए मैंने जो है वहाँ से शिफ्ट किया अपने प्रिपरेशन को। और लक की बात है या फिर चांस की बात है, एक IAS ट्रेनी सर का मैं उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर, उनसे ही ये जो है मेरा सारा कहानी अब तक का जो है वो चेंज हुआ। तो वो ट्रेनी में आए थे, तो वहाँ पर उनसे मुझे बात करने का मौका मिला काम के दौरान में ही,
और वो बोले कि आप लोग जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और लकली इस बार बिहार के टॉपर भी हमारे यूपीएससी से हैं। तो उन्होंने कहा कि बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा उनसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ। फिर उन्होंने खुद बताया कि वो भी एक वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब एस्पिरेंट ही थे, और उन्होंने काम करते हुए आईपीएस पहले निकाला फिर आईएएस निकाला। तो उन्होंने बताया कि जब मैं कर सकता हूँ तो तुम में क्या खराबी है। मैंने भी सही समझा कि मुझ में क्या खराबी है। तो मैंने उनसे बुक लिस्ट ली और कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाए हल्का हल्का मैंने गाइडेंस लिया, चूंकि वो आईएएस ट्रेनी थे उस समय, और मैं मुझे काफ़ी डर भी लगता था उनसे बात करने में, इतने बड़े ऑफिसर से कैसे बात किया जाए। तो जितना हो सका मैंने उनसे बात करके स्टार्टिंग की, प्रिपरेशन की, और फर्स्ट मैंने यूपीएससी ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। एक चांस मैंने दिया सीरियसली, हालांकि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ लेकिन बीपीएससी में हो गया, तो वहाँ से जर्नी मेरी बीपीएससी तरफ। ओके सर, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। सर आपने कैसे स्ट्रेटेजी और कैसे आपने प्रिपरेशन किया प्रीलिम्स मेंस की, आपका स्टडी सर क्या रही थी? सर सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की कि सर जैसे कि आपने कहीं कोचिंग भी नहीं किया है, चूँकि आप वर्किंग है तो कोचिंग करने का तो सर बात ही सवाल ही नहीं उठता। सर कैसे सर कहाँ से कंटेंट आपने इकट्ठा किया, रिसोर्सेज इकट्ठा किया सर, और सर कौन कौन सा सर बुक लिस्ट बेसिकली फॉलो कर रहे थे प्रीलिम्स के लिए सर? और उसमें जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको मॉक टेस्ट भी देने का मौका नहीं मिलता हो किसी इंस्टीट्यूट में जाके, तो सर क्या एक प्लानिंग थी सर उसके लिए? प्रीलिम्स मैंने 63 का दिया था लेकिन वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, और पहली बार मेरा बीपीएससी से इंटरेक्शन वहीं पर हुआ था। तो उस समय मैंने ये देखने के लिए किया था कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो जैसा कि बहुत लोग करते भी हैं। तो मैंने देखा और मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, बस इसमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि आईएसआर से ट्रेनिंग करने का मुझे बुक लिस्ट मालूम चल गई थी पता, तो मैंने जो है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम की बुक आती है रमेश सिंह की, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी थी, उसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड बुक होते हैं एनसीईआरटी मैंने उठाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी या जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी की उठाई और सबको पढ़ना शुरू किया। ये दिमाग में मैंने रखा कि मैं जो हूँ वो बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट होता था कि मैं पहले ये बुक को ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था, लेकिन मैं पहले एग्ज़ाम को हटा करके सिंपल अपने बुक को कंप्लीट करने पे फोकस करता था। तो मैंने जो है वो एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इस सारे किताबों को पढ़ा। और बीपीएससी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जो इसको आप अगर एनालाइज कर लेते हैं बढ़िया से कि किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछता है, और हर एक बार जो है यही ट्रेंड बीपीएससी रखा हुआ है कि 30 क्वेश्चन जो होंगे वो साइंस से आएंगे, 30-35 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे, 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, 20 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी से आते हैं, बिहार स्पेशल का एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से जो है मैंने वो देख लिया था किस किस चीज़ों से करना है, और बुक लिस्ट मेरे पास पहले से आया था और वो कॉमन बुक लिस्ट होती है, सभी को मालूम होती है। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद सर की बुक मैंने फॉलो की थी, हिस्ट्री के लिए मैंने बताया ही स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी जो था वो, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, तो सभी बुक लिस्ट सबके पास होती है। मैंने बस उनको पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, और मेरा ये एम था, मैंने कहीं पर सुन रखा था या ऐसा कहीं पर मेरे दिमाग में था कि 3 बार पढ़ने से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, तो मैं उसको 3 बार कंप्लीट किया किसी भी बुक को। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखा कि मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। और मॉक टेस्ट तो मैं नहीं लगा पाया क्योंकि वर्किंग थे तो करने का मौका भी नहीं मिला और कर भी नहीं पाए। और तो मैं मॉक टेस्ट की जगह पे मैंने जो है वो फुल लेंथ की जो क्वेश्चन बैंक आती है, नॉट अ सब्जेक्ट वाइज डिफरेंशिएशन किया होता वो नहीं, पूरी की सेट उसी को मैंने जो है वो 5 बार 10 बार 15 बार वही मेरा मॉक टेस्ट एक तरह से, हाँ घर पर ही रह करके वही मेरा एक तरह से मॉक टेस्ट समझ लीजिए। और उसी में मुझे जो है मॉक टेस्ट करते करते 90, 95, 96 ऐसे करके मुझे मार्क्स आ जाया करते थे। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ तो आगे भी कर ही लूँगा। तो मैंने किया भी क्लियर और 64th मेरा बीपीएससी क्लियर हो गया था। सर अब मेंस की बात करी जाए, जैसे कि आपने पहले ही बताया सर, और आपने कहीं से मॉक टेस्ट नहीं दिया है प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सर थोड़ी सी मेंस की बुक लिस्ट बता दीजिए कि आप क्या क्या फॉलो किया करते थे। और सर आंसर राइटिंग काफ़ी सर इंपॉर्टेंट होता है सर, और सर तो आप इवेल्युएट कैसे करते थे जब खुद ही लिखते होंगे तो सर इवेल्युएशन कैसे पता चलता होगा सर कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं जीएस में, तो सर उसके लिए आपने कैसे तैयारी किया मेंस की बेसिकली? सबसे पहले जो है मैंने वो यूपीएससी टॉपर विजन आईएएस के साइट पर जो है उनकी कॉपी अवेलेबल रहती है, तो मैं उनकी कॉपी देखा करता था कि क्या था। तो क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने सीधा लिख दिया, मतलब इधर उधर की बातें नहीं, मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया उसी पे उन्होंने फोकस किया करते थे। प्लस डायग्राम को लेकर के मुझे जो है हमेशा चिंता रहती थी कि डायग्राम क्या होता है, कैसे बनता है ये सब, तो मैंने उनकी कॉपी को फॉलोअप किया, वहाँ से थोड़े आइडिया मिले। उसके अलावा जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वैसे मैंने की नहीं है पूरी तरह से, एक भी आंसर मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ एक बिहार कुंवर सिंह की जो है भूमिका आती है कि 1857 क्रांति में
तो वो मैंने लिख के देखा था कि 25 मिनट में मैं लिख पाता हूँ, तो मैं लिख लिया था, तो मुझे पता था कि मैं पेपर टाइम पे ख़त्म कर लूँगा, बस मेरे पास जो है वो कंटेंट होना चाहिए, तो कंटेंट होना चाहिए और मैंने कंटेंट पे ही फोकस किया और मेरा आंसर राइटिंग की जगह पे जो जो समय बचता था मेरा, चूँकि टाइम की तो कमी मेरे पास पहले से थी, तो जो समय बचता था उसको मैं कंटेंट इंप्रूव में या फिर रिविज़न में मैं उसका यूज़ किया करता था। तो बेसिकली यही मेरा स्ट्रैटजी था और यही सिंपल से एक स्ट्रैटजी होती है, आप रिवाइज़ कीजिए, लिखिए, या आप अगर लिखने का आदत है तो रिवाइज़ कीजिए और रिवाइज़ कीजिए और रिवाइज़ कीजिए, इसके अलावा कोई स्ट्रैटजी ही नहीं होती है किसी भी एग्ज़ाम की, मैंने भी वही फॉलो किया था। ओके तो सर जो भी आप सर बुक्स पढ़ते होंगे सर, तो उसको जाहिर सी बात है सर इतने मतलब टेक्स्ट बुक सर होते हैं काफ़ी मतलब लेंदी होते हैं पढ़ना सर, तो आप डेफिनेटली सर नोट्स भी बनाते होंगे, तो सर नोट्स बनाने की कितनी भूमिका होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मतलब कमेंट में लिखते हैं चाहे मुझसे जैसे इंस्टाग्राम पर मैसेज वगैरह करते हैं कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में ही लाइट अंडरलाइन कर दिया जाए, हाईलाइट कर दिया जाए, तो सर इसकी इंपॉर्टेंस कितनी, और सर आपको नोट्स बनाने जरूर दिखाएं। देखिए अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, मैंने भी किया था, और जहाँ तक नोट्स मेकिंग की बात कर रहे हैं या फिर जो टेस्ट बुक, सॉरी मैं टेस्ट बुक पे आता हूँ पहले, तो देखिए इतनी मोटी मोटी बुक होती है, आदमी जब पहली बार प्रिपरेशन करने के लिए उठाता है कोई टेस्ट बुक को, बुक देख करके डर जाता है, मैं भी डर गया था, तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने जो चैप्टर वाइज जो है वो बांट लिया था, और अगर कोई चैप्टर में जो है मान लीजिए कि 200 पन्ना या 100 पन्ना या 50 पन्ना इस तरह से, तो मैंने बांट लिया था दिन के हिसाब से कि इसको मेरे को कितने दिन में ख़त्म करना है, और मैं उतने दिन में ख़त्म कर दिया करता था। तो इस तरह से जो है स्पेक्ट्रम की बुक जो बहुत मोटी आती है, मैंने उसको भी जो चैप्टर वाइज में 10 दिन का प्लान बना करके उसको मैं बांट लिया था कि 30 से 40 पन्ने मुझे डेली के डेली पढ़ने हैं, और उस तरह से मैंने जो है इस बुक को कंप्लीट किया, और 10 दिन मतलब एक, अगर आप 10 दिन में कंप्लीट कर ले तो एक महीने में एक बुक आपको शुरुआती दौर में ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मैंने की। अब नोट्स मेकिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जो हूँ कुछ अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा आपको आइडिया दूँ, ताकि नए स्टूडेंट को जो है वो समझने में कि नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं उसमें थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहली बात तो होता है कि आपको पता नहीं होता नोट्स बनाते समय कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी टॉपर्स या फिर किसी भी टॉपर्स, या अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो वहाँ से जो नोट्स आते हैं किसी भी बच्चे के या कोचिंग मटेरियल है उनको भी आप जो है एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने भी वहाँ से स्टार्ट किया था, और देखिए मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक सेक्शन का जो हूँ नोट्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पर एक टॉपिक आती है पॉवर्टी की, तो मैंने पॉवर्टी दिखाया है, यहाँ पर पॉवर्टी की डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से कॉपी की है, और इसके अलावा जो है मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का यहाँ पर एक डाटा डाला है, उसका एक डायग्राम बना दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 का डाटा डाला है मैंने, मल्टीडिसिप्लिनरी पॉवर्टी इंडेक्स 2020 का। तो मैं किसी भी क्वेश्चन में तीन या तीन से ज़्यादा मैं फैक्ट डालता ही डालता था, तीन चार फैक्ट मैं कॉपी में अपने लिखता था, ताकि मैं रॉस्ट केस में भी कम से कम एक फैक्ट तो मुझे अच्छे से याद हो ही जाए। तो ये फैक्ट्स मैं डाला करता था अलग से। इसके अलावा मैंने कमेटी मेंशन की थी, अलग कमेटी थी, रंगराजन कमेटी थी, लकड़ा वाला कमेटी थी। इसके अलावा जो है मैंने जो यहाँ पर देखिए सच वर्ल्ड बैंक की कोई डाटा थी, पॉवर्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से मैंने स्कीम भी लिखी थी, टाइप ऑफ पॉवर्टी कैसे होती है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ जो है सिस्टमेटिक वे में, आपको अगर अपने मन से भी कुछ अगर आइडियाज़ आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए स्कीम्स में जो है आपको बेसिकली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट अप्रोच टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन क्रिएटेड इन फॉलोइंग ग्रुप्स, तो मैंने इस तरह से डायग्राम बना करके, यही बेसिकली डायग्राम होता है, इस तरह से स्कीम बना करके मैंने जो कंक्लूजन में भी एक दो फैक्ट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स मेकिंग को बना सकते हैं अच्छे तरह से। सर नो डाउट सर, मतलब कि यूपीएससी की तरह ही मैं बीपीएससी में भी करेंट का बहुत सारा सर वेटेज होता जा रहा है, चाहे प्रीलिम्स की बात करी जाए चाहे सर मेंस की बात करी जाए, तो सर सर ये करेंट का जो वेटेज है सर उसको कैसे सर उस कंटेंट को मतलब कि ज़्यादा रीच किया जाए और उसमें कैसे सर पकड़ बनाई जाए करेंट अफेयर्स में। प्रीलिम्स के लिए जो करेंट अफेयर है उसके लिए मैंने जो है एक सब्जेक्टिव कोई मैगजीन उठाई थी, अगर नाम मैं ले सकता हूँ तो प्रतियोगिता दर्पण का मैंने यूज़ किया था, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप की मैंने जो बुक थी वो फॉलो की थी। तो सब्जेक्टिव एक और ऑब्जेक्टिव एक, और यही दो मैगजीन को मैंने क्या किया था, जो कि चूँकि मंथ वाइज वो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट होते ही हैं, वो बटे हुए होते हैं, तो मैंने उनको जो है एक कॉपी पे अपने पूरी तरह से लिख लिया था, जनवरी और फरवरी दोनों मिला करके। और सब्जेक्टिव से जो है वो आपको ये आइडिया मिल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री बने कैसे, ये आपको सब्जेक्टिव से चलेगा पता, और बने हैं कौन ये आपको ऑब्जेक्टिव से चलेगा पता। तो अगर आप ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर मेरे अनुसार से छूटने आपके नहीं चाहिए, और मेरा यही स्ट्रेटजी था, फुल प्रूफ मेरी ये तैयारी थी कि करंट अफेयर छोड़ना नहीं है किसी भी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो
प्रीलिम्स के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक सब्जेक्टिव बुक उठाइए, प्रत्यक्ष दर्पण हो सकता है, घटना चक्र हो सकता है, और कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक उठा लीजिए, दोनों को मगअप कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट जो होते हैं सिमिलर टाइप के होते हैं, मगअप करके अपने नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम से एक महीने पहले आप उसको जो है एकदम नोट्स मेकिंग जो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एक महीने सिर्फ और सिर्फ अपना रिविजन के लिए रखिए, 4 से 5 बार रिविजन कीजिए, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा आपका। सर मेंस की बात करिए तो सर मेंस के लिए करंट अफेयर थोड़ा बताइए। मेंस के लिए करंट अफेयर के लिए जो है मैंने दृष्टि आईएएस का जो वेबसाइट होती है और उनकी मैगजीन जो होती है और विजन आईएएस की मैगजीन जो होती है उनको मैंने फॉलोअप किया था। इसके अलावा जो और भी कुछ टॉपिक होते हैं उनको मैंने बस गूगल में लिख दिया था और उसके लास्ट में यूपीएससी लिखा करके जो भी रिजल्ट आते थे क्लियर आईएएस, आईएएस बाबा या जो भी साइट आते थे वहाँ से मैं उनके डायग्राम को भी कॉपी कर लिया करता था और उनके जो कंक्लूज़न होते हैं उनको भी कॉपी कर लिया करता था, इस तरह से था। और एक चीज़ यहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करता हूँ, जो लोग भी पेड जो कोर्सेज आंसर राइटिंग होते हैं वो अगर नहीं कर पाते हैं या इवेल्यूशन के लिए उनके पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, मैंने जो है टेलीग्राम पर बहुत सारे आते हैं फ्री चैनल, वहाँ पर मैंने सेलेक्ट हो गया था, मतलब ज्वाइन हो गया था वहाँ पर। ज्वाइन होने के बाद मैंने जो है मुझे आंसर राइटिंग लिखना नहीं है, बीपीएससी नोट्स आंसर मेकिंग जो ग्रुप है उसमें मैंने ज्वाइन हुआ था, तो वहाँ पर जो है मुझे आंसर राइटिंग लिखने तो आता नहीं था, तो लिखते कैसे, और लिखेगा तो ज्वाइन वहाँ इवेल्यूएट करेगा कि नहीं करेगा वो भी मुझे पता नहीं होता था। तो मैं क्या कहता था कि शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वहाँ पर और बहुत सारे लड़के वहाँ पर लिखते थे, तो 4-5 लड़के 6 लड़के मैं सभी का कॉपी को पढ़ा करता था और फिर जो अच्छा लगा, जो डायग्राम अच्छा लगा, जो कोट अच्छा लगा, जो फैक्ट अच्छा लगा, उस सबको मैं अपने कॉपी में नोट कर लेता था, फिर इंटरनेट की मदद से उसको फिर अपने आप से उसको सॉर्ट करते 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 रिसर्च किया, ये किया, तो इस तरह से मेरा टोटली नोट मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट था यही था मेरा। ओके सर, अब लास्ट क्वेश्चन सर आपसे कि सर आप जो कि आपको स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, सर आप सेलेक्ट होंगे, SDM बन गए सर, 30वीं रैंक के साथ, तो सर उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा जो कहना है, विवेकानंद जी का जो है एक बहुत अच्छा कोट है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नोबडी एल्स कैन, कोई आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता है, सिर्फ आप ही हैं, यहाँ तक कि आपको जन्म देने वाले भी आपकी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते हैं। तो अगर आपको मौका है और आपकी इच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलिए तो आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपको। ओके थैंक यू सो मच राजकुमार सर कि आपने बहुत प्रेशर समय निकाल कर हमसे बात किया। तो दोस्तों हमारे साथ यही थे राजकुमार सर जो कि SDM बने 30वीं रैंक के साथ, 65th का जो रिजल्ट है BPSC में। तो सर का अपना स्ट्रेटेजी आना और जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी वो जाना, सर का ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या हुआ करता था, कैसे सर ने नोट्स बनाए, बुक लिस्ट सर ने कौन कौन सफल हो गया है, ये सारी चीज़ वीडियो में कवर किए हम। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। दोस्तों अब हमारे साथ राजकुमार सर के माता पिताजी हैं, पेरेंट्स हैं, इनकी खुशी कितनी है इन समझानेंगे कि एक टॉपर का जो फीलिंग होता है, उनके माँ बाप की जो फीलिंग होती है वो शायद और कोई बयान नहीं कर सकता है। तो ये अंकल जी बहुत स्ट्रगल किए, बहुत सारा स्ट्रगल किए सर जैसे इंटरव्यू में बताया है। तो अंकल जी कैसा आपको लग रहा है आपके बेटा SDM बनेगा? तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा आपने सोचा था कि ये SDM बनेंगे? सोचे थे, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कहीं सपना तो देखे थे कि बेटा बढ़िया बने। हाँ आपने कितना संघर्ष किया लाइफ में और कैसे इनको मतलब इतनी अच्छी तालीम दी आपने? हम लोग तो शुरू से संघर्ष किए और इसका सोचे कि बाल बच्चा बढ़िया करे, ये भी हम अपना जानते हैं, नहीं खूब अच्छा मेहनत की है। तो बाकी सारे जो मतलब आप ही की तरह जो और बाकी सारे इनके से हमारे से और पिताजी लोग देख रहे हैं, तो उन पिताजी से और उनके बेटों से और बेटियों से आपका क्या कहना? ये कहेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत माने मेन है, मेहनत अच्छा कीजिए, बाप माई अच्छा करता है तो बेटा भी अच्छा करेगा। ठीक है अंकल जी, चूँकि देख सकते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ज़्यादा माइक को फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर सी बात है। आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी मिल रहा है बेटा, बेटा खुशी रहता है तो माँ खुशी रहता है, माँ खुशी रहता है तो बेटा ने खुशी मिलता है। बहुत कष्ट किया है बच्चा तो यहाँ तरह बुलंदी छुआ है, माए बाप हम बहुत मेहनत किया, एगो गाड़ी चला के बेटा इतना पर पहुँचाइए कि मेरे बच्चा आओ बुलंदी छुए, 4 गो है तो 4 बुलंदी छू ले,
हमको यह एक सपना एक था, हम नहीं पढ़ा लिखल है, बाकी हमको सपना था कि हम चार गो बाल बच्चा के पढ़ा के अपना बुलंदी छुआ लेंगे। हम कहें कि मेरा बेटा डीएम बन गया, हमको एसडीएम ई वाला नहीं बोलने, हाँ तो एसडीएम बोलते नहीं बोलने आता है, जब बोलते नहीं बोले अबे बेटा वो नहीं बोल सकते हैं, जो बोलने आता है उतना हम बोल सकते हैं। बाकी बहुत खुशी हमको चावा से देता है कि उसने बेटा सबके बुलंदी छूगे, हमरो बाल बच्चा पढ़ के आगे बढ़े। तो और बाकी सारी माताएं आपको सुन रही हैं और आप अपनी बेटा को इतनी अच्छी तालीम दी है, इतना सारा अपने इनको, इतना अंकल जी स्ट्रगल किए हैं, ड्राइवर की जॉब करते थे, अपना एम्बुलेंस चलाते थे हॉस्पिटल में या पीएमसीएच में, तो बाकी सारी और माताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब अपने बेटा को कह रहे हैं? ये है कि मेहनत माए बाप के आशीर्वाद रहता है, बाल बच्चा के मेहनत रहता है, सबसे बड़ा है कि माए बाप के आशीर्वाद है ना, बाल बच्चा आगे बढ़ सकता है, और बाकी ज़्यादा तो मेहनत इसका है ना। हम तो देंगे आशीर्वाद है, बाकी करने पड़ेगा इसी के, बुलंदी छूना इसका है, हम चावस देंगे कि बेटा आगे बढ़ो। ओहो माए बाप के चाहिए कि मेरा बेटा जितना तकलीफ हम कर सकते हैं, मेरा बेटा आगे के तकलीफ नहीं झेल सके। बस ये है, इतना हम कहते हैं बाबू हम। अब देख सकते हैं कि दोनों लोग काफ़ी इमोशनल हैं, जाहिर सी बात है मोमेंट जो है कि बहुत ही मतलब कि मुश्किल से मिलता है, और जिसे मिलता है उसमें जाहिर सी बात है उसकी जो मतलब कि जो भावनाएं होती है एक तरीके से मर जाती है। तो माता पिता जी हैं मतलब राजकुमार सर के, और आपने देखा कि इन्होंने कैसा, आप सबासी वाली बात होती है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बेसिकली, तो आप भी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप भी आगे।